हेलो दोस्तों, एक बात बोलूँ आपसे। जिस तरीके से हम लोग प्रॉफिट बुक करते हैं जब भी किसी स्टॉक में कोई स्टॉक बाय करते हैं, प्रॉफिट पर हम लोग सेल कर देते हैं, अच्छा खासा हमें प्रॉफिट होता है तो समय बहुत खुश होता है। लेकिन ये ह्यूमन एक एटीट्यूड कह सकते हैं, इमोशन कह सकते हैं, कि जब लॉस हो रहा होता है तो हम ये मानने को तैयार नहीं होते हैं कि हमें लॉस हो रहा है। आखिर हमें लॉस कैसे हो सकता है? तो एक बात आप लोग को बता दूं, कितना ही बड़ा ट्रेडर हो, कितना ही बड़ा इन्वेस्टर हो, चलो एक बार इन्वेस्टर तो अलग चीज़ है क्योंकि इन्वेस्टिंग हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, कई सालों के लिए करते हैं, तो उसमें हम फंडामेंटल देखते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग शेयर्स खरीद रहे हैं, उनको बेच रहे हैं, आई थिंक मतलब स्विंग ट्रेडिंग हम कह सकते हैं उसे, या इंट्राडे ट्रेडिंग भी हम लोग कह सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग शेयरों को खरीद रहे हैं, तो जिस तरीके से प्रॉफिट बुक करते हैं, हमें लॉस भी बुक करना पड़ेगा। हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान लीजिए, ध्यान कीजिएगा अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो। होता क्या है, आप लोगों ने माना किसी भी कंपनी के 1,000 शेयर खरीदे, आपका लॉस हो रहा है 5,000, 6,000। तो अगर आपको लग रहा है कि उसका वॉल्यूम कम होता जा रहा है, लोग सेल करते जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी घंटी बज जानी चाहिए दिमाग की कि स्टॉक गिरने वाला है। तो आप लोग वहीं से बाहर निकल जाइए और थोड़े बहुत लॉस में बाहर हो जाइए, उसी 6-7 हज़ार में। एक चीज़ और होती है, टारगेट और स्टॉप लॉस। पर इन माय व्यू आप लोग को मैन्युअली ज़्यादा करना चाहिए। मतलब आप लोग को प्रॉफिट हो रहा है तो आप लोग को मैन्युअली पता होना चाहिए कि कहाँ से मेरे को प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाना है, और लॉस हो रहा है तो कहाँ से लॉस बुक करके बाहर आ जाना है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो आप लोग टारगेट और स्टॉप लॉस लगा के चलिए, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो। ये नहीं करोगे ना, बहुत बुरी तरह फंसोगे। जब लॉस होगा तो बहुत बुरा लॉस होगा और आप उस स्टॉक से उबर ही नहीं पाओगे और आप सोचते रह जाओगे महीनों महीनों। इससे अच्छा तो ये है ना कि अपना लॉस बुक करो वहाँ से और बाहर निकलो, और दोबारा किसी अच्छे जो ट्रेडिंग शेयर है जो अच्छा ऊपर जा रहा है वहाँ आप लोग पैसा लगाओ, तो वहाँ पर आपका लॉस भी कवर हो जाएगा और प्रॉफिट भी कमा लोगे। पर ये दिमाग में मत सोचना कभी कि आप लोग हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। अगर ऐसा होता तो हर कोई आज स्टॉक मार्केट ही कर रहा होता। कितनी भी आपको फर्जी ऐप भी कह सकता हूँ मैं, या फिर कितने भी लोग आपको इंस्टाग्राम फेसबुक में कह रहे हैं ना ये कोर्स ले लो वो कोर्स ले लो, मत लो। सब अपनी समझ से करो, अपना वीडियोस देखो यूट्यूब की, लेकिन ये कोर्सेज मत लो, ये उनको प्रॉफिट दे रहे हैं बस, और लेना है तो लो। लेकिन ये दिमाग में मत पालना कि इनके कोर्सेज करने के बाद आप लोग बहुत पैसा कमा दोगे, आप लोगों का कभी नुकसान ही नहीं होगा। तो सबसे मेन बात जो इस वीडियो की मेरी ये थी, अगर आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं तो आपको लॉस भी बुक करना आना चाहिए, ताकि आप ज़्यादा लॉस में ना जाओ और मार्जिन लेके चलो। भाई मेरे को 5,000 का लॉस है, कोई नहीं, मैंने इससे पहले 10,000 रुपये कमाए थे, तो अभी मुझे 5,000 का लॉस हुआ तो कोई बात नहीं, मैं स्टॉक से बाहर आ गया, तो अगले स्टॉक मैं अगले स्टॉक खरीदता हूँ। तो ये चीज़ को आपको देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके सामने लाऊंगा, और इन्वेस्टिंग से जुड़ी हुई, बिजनेस से जुड़ी हुई, और किस तरीके से पैसा कमाते हैं, छोटे छोटे बिजनेस कौन से करते हैं, इनसे जुड़ी हुई हमारी बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं, ज़रूर देखिएगा आप। थैंक यू सो मच। स्वप्निल वेल्थ मंत्रा।